हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियोस जहां पे हम लोग नंबर्स का सेकंड लेक्चर्स यहां पे करने वाले हैं एंड जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने नंबर्स LOD 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस किए थे, अभी आगे हम लोग करेंगे एंड हर एक वीडियोज में 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको वीडियोस अपलोड होते हैं, उसके बाद जो लिंक्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, एज वेल एज जो लाइव क्लासेस होने वाले होते हैं शेड्यूल्ड होते हैं उसके भी लिंक्स यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर। ओके, चलिए शो अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, The sides of a pentagonal filled, not regular, are 1737 meters, 2160 meters, 2358 meters, 1422 meters, 2214 meters, respectively. Now find the largest length of the tape by which the five sides may be measured completely. Right? That means what? कि आपको सबसे बड़ा एक टेप लेना है जिससे मे बी आप किसी साइड्स को दो बार में मेजर कर पा रहे हो या फिर 22 टाइम्स में मेजर कर पा रहे हो, बट एग्जैक्टली आप उससे मेजर्स कर पा रहे हो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स जो वो टेप यूज हो रहा होगा दैट विल बी अ इंडिस। तो जब भी आपको पता है कि ऐसे ग्रेटेस्ट की बात करता है तो हम हमेशा वहां पे क्या करते हैं, हम HCF अप्लाई करते हैं। राइट, अगर आपको ध्यान में, तो यहाँ पे भी हम HCF ही अप्लाई करेंगे एंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे HCF किसका, तो HCF ऑफ आई विल से ऑल दिस गिवन साइड्स, दैट इज 1737, 2160, देन 2358, देन 1422 एंड देन 2214। ठीक है, बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, तो HCF हम निकालेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस भरे पड़े हुए उन्हीं से चेक कर लो ना। ठीक है, इनको HCF निकालने में जितना टाइम लगेगा उससे कहीं ज्यादा जल्दी हम ये चेक कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि क्या यहाँ पे ये 13 पॉसिबल है, यानी उससे पहले कुछ जो इजी वे में एलिमिनेट हो सकते हैं या चेक हो सकते हैं वो है 11 एंड 9, तो पहले वो देखते हैं। तो ये 7 + 7 = 14 - 4 = 10, तो ये पक्का नहीं हमारे पास डिविजिबल है, विच मीन्स ऑप्शन सी गॉट एलिमेंट। नाउ 9, 7 + 7 = 14 + 4 = 18 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 10 = 18 पॉसिबल है, 4 + 4 = 9 = 9 पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर 9 पॉसिबल है तो 7 एलिमिनेट हो गया क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट बोला था ना। तो पॉइंट इज कि 13 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक बार हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस नंबर को हम यहाँ पे करते हैं, इसको अगर करते हैं तो 13 से 1 टाइम्स 13 आ गया, 10 105, 13 8 इज 104, 118 नहीं इसको डिवाइड कर पाया, 13 भी नॉट पॉसिबल। सो दैट मींस व्हाट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड यहां पे HCF आप निकालोगे भी तो आपको 9 ही मिलेगा एंड यही आपका आंसर। अरे बस समझ में, ग्रेटेस्ट HCF की बात कर रहा होता है, लीस्ट जब होता है तो वो पक्का LCM की ही बात कर रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सो हियर दिस सेज दैट देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन हिज स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शंस ऑफ इधर बॉयज और गर्ल्स, फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दिस फॉर्म। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या होगा जो फॉर्म होगा, तो अगर नंबर ऑफ सेक्शंस मिनिमम चाहिए विच मीन्स The number of students in each section should be maximum. That means कि जो number of boys होंगे एक section में वो maximum होंगे, as well as the number of girls जो होंगे वो maximum possible. But एक ऐसा number होगा maximum possible जो 448 and 576 दोनों को exactly divide कर सके. ठीक है? Now अब इन दोनों का यहाँ पे हम लोगों को check करना है कि क्या होगा। तो एज आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो HCF गिवेन नहीं है, ये नंबर ऑफ रूम्स गिवेन है, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू हम चेक नहीं कर सकते। तो मुझे HCF निकालना ही होगा कि क्या होगा HCF। तो
तो HCF अगेन हम यहाँ पे देखेंगे of 576 and 448, right? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे देख सकते हो क्या ये मेरे पास 16 से या 8 से ऐसा कुछ divisible है या नहीं। तो मैं ना 8 से divisible है मुझे ये तो दिख रहा है 8 5 40 and then 48। तो मैं 448 को ना एक बार चेक करके देखता हूँ 8 से। तो 8 है 8 5 है एंड देन 8 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको 8 × 8 × 7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 576 के बारे में अगर हम चेक करके देखें तो हम क्या बोलते हैं 8 से अगर इसको अलग कर देते हैं तो 8 7 जा एंड देन 8 2 जा मतलब फर्दर 8 आ रहा है। तो 8 × 8 × 9 इससे मेरे को पता चल गया कि जो आपके पास HCF आएगा दैट विल बी 64 एंड 64 के बाद कितने कौन सा नंबर बच गया यहाँ पे 7। तो मतलब अगर 64 स्टूडेंट्स आई मीन 64 गर्ल्स विल सिट इन ए रूम देन वी विल रिक्वायर 7 रूम्स, राइट। सिमिलरली वी विल रिक्वायर 9 रूम्स फॉर ऑल द बॉयज। तो टोटल जो मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शंस है और रूम्स वो आपको यहां पे मिल गया दैट इज 16 व्हिच इज 7 प्लस दिस बिकम्स योर मतलब ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस क्लास में भी बोला था, ठीक है, इस क्लास में भी रिपीट कर रहा हूँ गाइज, इनकेस आपको कहीं पे कुछ भी या अब तक जो डिस्कस किया हूं या फर्दर आगे जो करने वाला हूं कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम और ऑन द व्हाट्सएप, ओके। बट डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द 28th क्वेश्चन। दिस इज दैट अ मिल्कमैन हैज 3 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मिल्क, 403 gallons of the first quality, 465 gallons of the second quality and 496 gallons of the third quality. Now find the least possible number of bottles of equal size in which different milk of different qualities can be filled without mixing. क्या बोल रहा है कि find the least possible number of bottles, right? So once again, bottles अगर least होंगे which means the quantity in each bottle should be maximum possible. That means what? Again, we need to calculate HCF. And this question is exactly same as the previous questions. जो boys and girls वाले questions अभी हम लोग किए, ठीक उसी के जैसा ये question. अच्छा, एक तो अभी यहाँ पे देखोगे तो इस questions को हमने यहाँ पे solve किया तो this is called a prime factorization method. यहाँ पे अगर 8, 8, 7 और 889 को अगर हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यहां पे हम HCF फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आप डिवीजन मेथड्स को भी समझ पाओगे। जैसे मैं यहां पे 403 है, ठीक है, क्या कर रहा हूं, वी विल डिवाइड द 465 विद 403। नाउ 1 टाइम्स 403 दिस बिकम 62। नाउ वी विल डिवाइड 403 62 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में कर सकते हैं, 7 टाइम्स नॉट पॉसिबल। तो ये मेरे पास आ गया 372 एंड यहाँ पे मेरे पास दिस बिकम्स 31। फर्दर आप 62 को डिवाइड करेंगे 31 से 2 टाइम्स में 62 डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, अब आगे हम आते हैं। तो आगे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो आगे हमारे पास ये चेक करना है कि जो लास्ट नंबर जहां पे कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्या ये नंबर जो रिमेनिंग एक नंबर बच गया उसको डिवाइड कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो दिस विल बी योर यू कैन से कि HCF, और अगर नहीं कर सकता है तो फिर आगे जो इसी प्रोसेस से जो नंबर मिलेगा वो हमारा HCF। 31 वी नो कि 1 टाइम्स वी कैन से दिस इज 31। Now it becomes 18, 186, तो 6 times में exactly मेरे पास आ गया 186 cancel, which means कि जो हम HCF calculate कर रहे थे that becomes 30. तो अब इसका मतलब क्या है guys कि अगर ये 31 आ गया तो आपको ये देखना है कि 403 है उसके लिए कितने आपको bottles चाहिए होंगे इसके लिए। तो 31 से इसको divide कर दीजिए, आप देखिए 13 times में ये exactly divide हो जाएगा। फिर आप 465 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 52 ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा आ जाएगा 70 एंड देन 496 हमारे पास है एंड
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 62 दो बार आएगा ना, तो दिस विल बी 15, 13 से डिवाइड कर दिया था, सो दिस बिकम्स 15 एंड ये आपको पता है कि यहाँ आया 16, तो टोटल आपको कितने रिक्वायर्ड हो गए, राइट, तो दिस बिकम्स 44, मींस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन होगा गाइस यू कैन लेट मी। ठीक है, चलो फटाफट टू द नेक्स्ट वन। Here it says that what is the greatest number of four digits that when divided by any of the numbers 6, 9, 12, 17 leaves a remainder of 4. देखिए process wise नहीं जाते हैं, options होता है तो कोशिश करते हैं options का use करने का। तो आपको बोले कि 9 से divide करने पे remainder आना चाहिए 1, तो check करके देखो, यहाँ पे not possible, 7 आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, 9, 9, 8 plus 5, 13, नॉट पॉसिबल, 4 आएगा, 9 आ गया, फिर यहाँ पे 8 plus 7 is 15 plus 4 is 19, 9 to 18, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, तो 9 का जॉब जो है वो ऑलरेडी डन है। आपको देखना है कि वो 6 से अगर करते हैं तो क्या बनाता है, तो लेट मी चेक, यहाँ पे अगर मैं कर दूं या यहाँ पे कर दूं तो 15 टाइम्स में 15 6 है 94, 48 ये आ गया, यहाँ पे 16 6 है 96, तो 119, 18, 13 आ गया, दैट मींस व्हाट, 6 और 9 ये दोनों सेटिस्फाई कर दे रहे हैं इन दोनों कंडीशंस को, तो 12 के लिए आएगा क्या, तो मे बी 12 आ जाए, एक बार 17 से चेक करके देख लो ना किसी भी एक नंबर को। ठीक है, 9, 4, 8, 7 लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई विल चेक इट विद 17, 17 दिस इज 5 टाइम्स आई विल गेट 85, राइट, नाउ दिस बिकम्स 9, दिस इज 98, नाउ 17 5 फर्दर आपको लेना पड़ेगा एंड दिस विल बी अगेन 85, दिस इज 13 137 एंड देन अब फर्दर आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 17 7 से, वो नहीं होगा, हाँ 17 7 8 जा कर देते हैं ना, 7 जा करने की क्या जरूरत है, 17 8 जा मेरे पास आता है 126 का 136, राइट, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो दैट मींस व्हाट, ये पक्का मेरा सेटिस्फाई कर जा रहा होगा, बट क्रॉस चेक करने के लिए इफ यू विश यू कैन चेक 9793 एज वेल। ठीक है, कि ये पॉसिबल है 17 से या नहीं, तो 17 अगेन 5 टाइम्स 85 You will get 12, 129 and then 17 7 जा हम कर देते हैं 119 मिल जाएगा मेरे को, this is 10, 103 and ये मेरे को नहीं मिलेगा 17, अच्छा ये भी मिल गया 17 6 7 02, oh my god 6 9 17 सब है, हमने सोचा 17 नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो एक ही मेरे पास बचता है 12, इसको अगर देखोगे तो 12 8 जा 96 119 12 1 जा 12 7 72 12 6 जा 72, ये आ गया, ये पक्का नहीं आएगा मेरे को, आप इसको 12 से चेक करके देख सकते हो, दिस इज 12 9 4 8 7 और अगर आ भी जा रहा है, लेट अस से अगर आ भी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला था, तो 9793 ग्रेटर होगा ना कि 9487, राइट, तो अगर ये आ भी जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आ भी जा रहा है तो भी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर सेटिस्फाई हो गए 6 9 12 17, तो दिस विल बी योर आंसर। Now, I'm sure कि आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि सर अगर ये चीजें अप्लाई नहीं करते तो कैसे हम सॉल्व करते इस क्वेश्चन, ये आपके मन में होगा, तो आपको बता रहे हैं वो तरीका। आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 6 9 12 एंड 7, देखो 6 9 और 12 ये तो मिल जाएगा आपको, 6 12 is 12 12 और 9 is 36 36 और ये 17, तो ये मेरे को मिल गया 36 into 7, तो ये मेरे पास 612 जो है ये मेरे पास आ गया एलसीएम। अब आपको क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन में बोला कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, तो जो n होगा, जो नंबर्स होगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 612 प्लस 1, राइट, तो मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर आता है दैट इज 4 times 9, 4 digit, आपको क्या करना है इसको 612 से डिवाइड, 1 times this is 612, तो ये मेरे पास आ गया, this is 3, this is 8 and this is
राइट 387 डिवाइड नहीं होगा, 9 आ गया मेरे पास। अब ये यहाँ पे हम कर सकते हैं 6 टाइम्स में, तो ये मेरे पास 72 एंड 6 6 सा 36, तो मुझे मिल रहा है 207। तो आपको क्या दिख रहा है कि 207 एक्स्ट्रा हो गया, बट मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए था, सिर्फ 1। तो 207 में से एक हटा दो और 206 जो है वो माइनस कर, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो अगर मैं 206 माइनस कर देता हूं तो आई विल गेट 979 एंड दिस इज 9793 व्हिच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो एक तरीका हमने आपको बताया कि ऑप्शंस चेक करने का। दूसरा तरीका, ये ट्रेडिशनली ये ऑप्शन हो नहीं हो, हर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये एप्लीकेबल है, ये वैलिड है। ठीक है, दोनों तरीका बता दिया, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ बोलो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस बट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। ओ माय गॉड, सबसे लीस्ट नंबर बट रिमाइंडर 4 देना चाहिए अगर 16 18 20 से करते हैं तो, बट 7 से पक्का पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर ये है, पहले ये चेक करते हैं सारा कंडीशन आता है या नहीं, फिर इस पे आएंगे, फिर उससे बड़ा नंबर ये आएंगे, नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक गया। तो 7 से 7 5 जा 35 114, तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया। 16 18 और 20 देखते हैं, तो 20 के केस में हम लास्ट टू डिजिट देखते हैं तो 64 है, आ गया। और उस केस में देखोगे तो ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास, सॉरी नॉट दिस वन, द सेकंड वन दैट इज बी, क्योंकि यहाँ पे आप 20 से डिवाइड करोगे तो 4 नहीं 14 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर गया 7, 20 सेटिस्फाई कर गया, 16 और 18 है, तो 16 चूजा मेरे पास 32 आता है। ठीक है, राइट 4 44, तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 40 आना चाहिए तब तो होगा, राइट right? तो ये तो मेरे पास सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, अरेगड़ी में पॉइंट और नॉट, बोल रहा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16 तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए था, बट रिमाइंडर यहाँ पे 4 मेरे को दिख नहीं रहा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16 टू जा 32, 4 44, 44 को आप डिवाइड करोगे तो 16 टू जा 32 14 मिलेगा, तो दैट मींस ऑप्शन ए ऑप्शन बी गॉट एलिमिनेटेड। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2964 एंड 2864, बट मुझे क्वेश्चन में बोला लीस्ट, तो मैं पहले 28 पे चेक करता हूँ। ठीक है, 74 जा 28 एंड ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है मुझे दिख रहा है। 20 से भी ये सेटिस्फाई कर गया, 16 और 18 अगर हम चेक करके देखें तो 89 का आता है, 8 8 बोलो दो अठारह, 9 से भी मेरे ख्याल से कर जाएगा, तो 18 से भी कर जाना चाहिए, 16 चेक कर लेते हैं। तो 16 से आप चेक करोगे 2884 को, तो ये आपको मिल जाता है 16, दिस इज 1 टाइम्स 16, दिस इज 12, 128, 16 8 जा इज 128, नाउ रिमाइंडर इज 4, तो दैट मींस आप 16 से कर गया, बट इन केस इफ यू विश यू कैन चेक इट फॉर 18 एज वेल, 1 टाइम्स 18 दिस इज 10, 6 टाइम्स 108, अगेन वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 4, दैट मींस शॉट दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर भी जाता है फिर भी हम आंसर्स इसको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार बताइए कि यस सर क्लियरली समझ में आ जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो, या अगर क्लियर होगा तो। फोर बेल्स रिंग एट द इंटरवल 6 8 12 एंड 18 सेकंड्स, दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 12 o'clock, द क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन, एक साथ फिर से वो कब रिंग करेंगे, तो एक साथ फिर से कब रिंग करेंगे, तो इसका मुझे एलसीएम निकालना होगा, 6 8 12 and 18, और आपको दिख रहा है कि 6 और 12 का 12 होता है, 12 और 8 का 24 होता है, 24 और 18 से आपको 72 मिल जाएगा, तो दैट मींस व्हाट 72 सेकंड्स के बाद। इस क्वेश्चन में कुछ खास जान नहीं, ठीक है एलसीएम निकालना, दैट्स इट। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मिनट्स इंक्लूडिंग द 12 मिनट मार्क, नेक्स्ट 12 मिनट्स में कितना करेगा, तो आपको टाइमिंग तो पता चल गया था ना, 12 मिनट्स का मतलब कि 12 इंटू 60 सेकंड्स, इतना सेकंड्स हो गया, और 72 सेकंड्स में कर रहा था, तो ये 720 कट जाएगा, 10 बार करेगा, तो करेक्ट आंसर इज 10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट देखिए,
What are the unit digits of the expressions? This जो previous lectures था, याद है उसमें दो ऐसे questions और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई एक नंबर है जो 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट डिजिट तो पक्का 5 होगा। बस आपको चेक करना है कि उस पूरे प्रोडक्ट में कहीं पे कोई इवन नंबर है क्या, अगर है तो यूनिट डिजिट 0, नहीं है तो 5। तो यहाँ पे ये तो ऑड है, ये इवन है मतलब 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन तो एकदम देखते के साथ आंख बंद करके आंसर मार्क कर देना है 0 एंड आगे बढ़ जाए। ठीक है चलो, यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गाइस परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होता है कि अगर 1 है एंड में उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे यू विल गेट द लास्ट डिजिट। मैं यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 स्क्वायर है लास्ट डिजिट विल बी 1, 2 स्क्वायर अगर है तो लास्ट डिजिट विल बी 4, 3 स्क्वायर अगर होता है एंड में 9, 4 स्क्वायर अगर है दैट इज 16, 6, 5 स्क्वायर है 25 दैट इज 5, 6 स्क्वायर है अगेन 36, 4 के जैसा 7, तो 3 के जैसा 8, 2 के जैसा और 9, 1 के जैसा। तो आपको 14965 मिला, तो यहाँ 6 है, पॉसिबल है 7? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली। फिर ये मे बी पॉसिबल हो सकता होगा, ठीक है। तो बट ऑल ऑफ दिस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हम लोग को यहाँ पे देखना, ठीक है। तो बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्चुअली अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप समझ के देख सकते हैं क्या है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप ट्वेल्व का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 140, ठीक है। आप 22 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 480, ठीक है। आप 32 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 102। हर बार देखिए कि 4 अगर से एंड हो रहा था तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं एक 18 का भी स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आई विल गेट 320, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4 से अगर एंड हो रहा था तो उससे पहले इवन नंबर, तो अगर कहीं पे 4 से पहले ऑड आ जाए, 12 आ जाए, 34 आ जाए एंड 14 आ जाए तो फिर आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर 9 लेकर के आना चाहें तो एक तो देखिए हम 9 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 9 में नहीं आएगा, 7 करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो आई विल गेट इट 49, राइट। 17 का स्क्वायर करते हैं आई विल गेट इट 289, 27 का स्क्वायर करते हैं तो आई विल गेट इट 729। तो 9 से पहले आपको इवन मिला, 9 से पहले इवन है तो पॉसिबली है। ये पूरा ऐसे चेक करने की जरूरत कभी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा कोई और कहीं पे अगर मिल गया तो फिर नहीं। सिमिलरली 6 के केस में भी अगर 6 आपका यूनिट डिजिट पे है तो इधर ये ऑड इवन, जैसे 36, 16 स्क्वायर 256, राइट, 26 स्क्वायर 676, 24 स्क्वायर 576, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हम श्योर हैं कि बी हमारा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन द एंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन द एंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग में कभी नहीं हो सकता है, कौन है? तो आपको पता है कि 6 हो सकता है, अभी दिखाया, 00 हो सकता है ना, अगर 10 है, 100 है, 1000 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 00, 1 एंड में आ ही सकता, लेकिन एक्स 000 कभी नहीं आ सकता, लास्ट में 000 कभी नहीं हो सकता। अगर 0 आएगा तो वो पेयर में आए, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, बट ऑड नंबर ऑफ जीरो एंड में नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज बाय द करेक्ट आंसर, नॉट पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ओके, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू गाइस दैट इन केस अगर आप कार्ड 2022 अपीयर करने वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट अस गाइस। क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दैट यू विल गेट अ लाइव इंटरक्टिव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लासेस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, जीडीपीआई, वैट प्रिपरेशन, राइट। एंड ये सारी चीजें वैलिड होगी, ये हर एक एग्जाम्स को कवर कर रहे होंगे, दैट मींस व्हाट, इसमें आपका कैट के साथ साथ ओमेंट्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है, जितने एग्जाम्स होते हैं सब। वैलिडिटी विल बी टिल मार्च 2023, द कोर्स फी इज 35,000, बट इन ऑफर प्राइस यू विल गेट इन जस्ट 20,000, एंड लेट मी टेल यू दैट वी आर क्लोजिंग एडमिशंस आफ्टर 31st ऑफ मार्च, वी आर टेकिंग टिल 31st ऑफ मार्च। Show Harya. Now moving ahead,
In case if anyone is weak in quantitative aptitude only, rest everything is fine. या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जहां पे क्वांट आप में आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, एंड आप क्वांट अच्छे से अपना वीक एरिया को स्ट्रांग एरिया बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ क्वांट के लिए भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. लाइव रहेंगे, इंटरक्टिव रहेंगे एंड रिकॉर्डिंग सेशन सब कुछ मिलेगा आपको. एंड जो क्वांट के क्लास लोगे उसमें भी आपको कैट के साथ साथ बाकी जो ओमिट्स हैं उन सब की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. एंड ये भी वैलिड होगा हमारा टिल मार्च 2023. द कोर्स फी इज 999, बट इफ यू अप्लाई द कोड OMG2022 देन यू विल गेट दिस इन जस्ट 2999, एंड दिस इज वैलिड टिल 19th of March, राइट? सो डू नॉट फॉरगेट टू grab this opportunity. Moving ahead. Now, बोल रहा है, the LCM of 5, 8, 12, 20 will not be a multiple of. अगर LCM है तो 5 है तो 5 का मल्टीपल होगा ही, 8 है 8 का मल्टीपल होगा ही, अगर यहाँ पे 12 है तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही, 9 है, will not, ठीक है, नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है यहाँ पे. LCM का मतलब यही तो होता है कि जिस नंबर के आप LCM निकाल रहे हो उनके मल्टीपल्स ही होंगे ना वो, राइट? तो 5, 8 और 3 में तो कोई टेंशन ही नहीं. बोल रहे हैं यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 720 इंक्लूडिंग 1 एंड 72, सॉरी 720, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बॉस, अदरवाइज नहीं आएगा. तो दिस इज 9, 8 इज अ 72. आप 9, 8 जा कर सकते हैं और फिर 10, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये 2 raised to the power 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया एंड देन 5 raised to the power 1. देन मुझे यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 + 2 + 1 दैट इज 3. एडजस्ट गिव मी सेकंड, मैं बाय मिस्टेक प्लस कर दिया, इट शुड बी सबट्रैक्शन. 4 + 1 5, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, तो दिस बिकम्स 30 एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है. मूविंग अहेड, the LCM of this and this क्या होगा, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ. 16 माइनस ऑफ दिस आई विल गेट इज 4 माइनस ऑफ x इनटू 4 प्लस ऑफ x, दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6, तो क्वाड्रेटिक को ब्रेक कीजिएगा, यू विल गेट x प्लस 3 इनटू x प्लस, ओके. तो LCM का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो आई विल गेट, कुछ कॉमन तो आपको दिख नहीं रहा, तो ये दोनों का बेसिकली प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज 16 माइनस x स्क्वायर इंटू दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस, जो कि आपको कहीं पे वो यहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर दिख रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल, नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, ठीक है. क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा ब्रेक करने वाला तरीका यहाँ पता होना चाहिए, ये भी ऐसा ही कुछ है, बट यहाँ पे जीसीडी बोला है, मतलब एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, तो ये मेरा x माइनस 2 है और ये मेरा x प्लस 2, फिर मेरे पास यहाँ पे देखोगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस x आएगा माइनस 6 आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3 हो जाएगा एंड देन x माइनस 2. इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे x माइनस 2 ही सिर्फ कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जीसीडी और HCF विल बी x माइनस 2. ओके, सिंपल सा सवाल है, आगे चलते हैं. यहाँ पे बोल रहा है द नंबर a इज नॉट डिविजिबल बाय 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. a डिविजिबल नहीं है तो इनमें से कौन सा डिविजिबल नहीं होगा. अब आप देखो कि 9 तो खुद जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा डिविजिबल होगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 18 भी है 3 से डिविजिबल, 24 भी है, बट 2 नहीं डिविजिबल, ठीक है. तो अगर a डिविजिबल नहीं था और 2 ऑलरेडी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल ही नहीं होगा. आज सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है, चलो कोई गल नहीं. मूविंग अहेड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 रेज्ड टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 8. बहुत बढ़िया, अगेन बच्चा वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में कोई भी देखते के साथ ऑप्शन ए मार्क कर देगा, बट अगर हम ट्राई करें तो हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं. And this is 9 raised to the power 100 divided by 8. आपको क्या करना है, आपको सिंपली 9 को डिवाइड करना है 8 से और चेक करना है रिमाइंडर क्या है. तो
अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 1, राइट। छोटा कर देना नंबर को, तो 1 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब क्या है, द फाइनल रिमाइंडर दैट यू विल गेट इज दिस विल बी योर करेक्ट। अरे बात समझ में, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। बोलो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू द पावर 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। बहुत बढ़िया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर से इसको बताऊंगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आंसर्स तो मैं डायरेक्टली ऐसे मत कर, यही होगा 2 रेज टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय। नाउ आप देखिए कि क्या आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो आप बोलोगे नहीं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि गाइस क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप बोल सकते हैं हाँ, तो 3 को आप जब डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 को डिवाइड करोगे 1 बच जाएगा, बट उससे पहले का साइन माइनस है, तो वी विल राइट रिमाइंडर एज माइनस 1 रेज टू द पावर 1000 अपॉन 3। बट माइनस 1 टू द पावर 1000 है विच इज एन इवन नंबर, तो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव से मेरा पॉजिटिव बन जाएगा 1, और फाइनली हम बोलेंगे रिमाइंडर एज। सो दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। अदर वे क्या है कि मैं 2 का एक पावर कर लेता हूं जिससे मैं 3 से बड़ा बना पाऊं, तो आई कैन से कि 2 रेज टू द पावर 1000, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 500, राइट। देन फिर हम रिमाइंडर यहां पे कैलकुलेट करेंगे, ओके सॉरी, इट शुड नॉट बी 2 रेज टू द पावर 500, इट शुड बी 4 रेज टू द पावर 500, 2 स्क्वायर, तो रिमाइंडर ऑफ 4 रेज टू द पावर 500 अपॉन 3, डिवाइड करोगे व्हाट यू विल गेट, 1 रेज टू द पावर 500 अपॉन 3, and the final remainder that you will get is, so this will be your correct answer, ठीक है, कोई confusions होगा बताते चल सकते chat box में, आप यहाँ पे sorry comment box में आप मुझे बताओ, या नहीं तो आप WhatsApp पे भी बता सकते हो, क्या दिक्कत है। Next questions बोला, decompose the number 20 into two terms such that their product is the greatest। Guys देखो, किसी भी एक नंबर को हम 2 नंबर्स में अगर ब्रेक करें या 3 नंबर्स में ब्रेक करें, बट अगर प्रोडक्ट में मैक्सिमम की बात करते हैं तो दैट नंबर्स, और अगर वो इंटीजर है ठीक है, तो वो 2 नंबर्स जो आप सेपरेट करेंगे या 3 सेपरेट करेंगे दैट शुड बी इधर इक्वल और एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर 20 है, 2 पार्ट्स में करना है, तो मैं पहले तो डिवाइड करके देखूंगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है या नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। आप देखो यहाँ पे सम हर जगह पे आपको 20 मिलेगा, बट ये 96 है, ये 64 है, 75 है, बट यहाँ पे दोनों सेम है 10 into 10, और कहीं नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। ऐसे कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आए, 3 भी अगर यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अगर 3 बोला होता तो हम डिवाइड कर देते, डिवाइड तो हो नहीं सकता था 3 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 3 से डिवाइड करते तो 6 टाइम्स में डिवाइड होता, तो एक में अगर 6 ले लेता तो बाकी दोनों को फिर इक्वेट कर देता 7 से, और ये मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 44th, बट फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि एक्चुअली वी वांट टू चेक दैट नंबर ऑफ मतलब 10 का कितना पावर है, दिस इज 20। तो अब अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है तो उसके पावर्स तो 5 से ज्यादा ही मिलेंगे ना, तो वो कभी नहीं चेक करना है नंबर ऑफ जीरोस में, हमेशा 5 से चेक करना है। एंड ये 50 का फैक्टोरियल था, तो 50/5 आई कैन से दिस इज 10 टाइम्स, एंड देन 10/5 सो आई कैन से दिस इज 2 टाइम्स, एंड सम करने के बाद मेरे को मिल जाएगा 12। सो द करेक्ट आंसर विल बी 12, व्हिच इज ऑप्शन नंबर, राइट। सिंपल सिंपल सा सवाल यहाँ पे है, आगे देखते हैं 45। This question says that which of the following can be a number divisible by 24? कौन कौन हो सकता है? देखो 24 से divisible होने का मतलब क्या होता है? That number should be divisible by 8 and 3, right? तो पहले 8 से देखते हैं, और 8 का divisibility rule क्या होता है? This says that check the last 3 digits. If that last 3 digits is divisible, then fine. तो 8 से बन जाए 56 आता है मेरे पास, 444 वो 8 से कटेगा नहीं, तो दिस इज एलिमिनेटेड। नाउ
यहाँ पे मेरे पास 8 3 24 4 44 एट सिक्स 48, हाँ ये डिविजिबल है, ये 3 से भी हो जा रहा होगा, 8 प्लस 4 12 हो जा रहा है, 6 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 2 प्लस 1 3 डिविजिबल, मतलब ये नंबर 8 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, दैट इज व्हाई ये 24 से भी डिविजिबल। इज इट क्लियर? और कोई दिक्कत होगा तो बताना, नहीं है तो भी बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, 46 बोल रहा, फॉर ए नंबर To be divisible by 88, it should be, एक number जो है वो 88 से divisible हो, उसके लिए क्या-क्या conditions हो सकता है, options में से, तो 22 into, देखो 88 से अगर एक number divisible है, तो that number has to be divisible by 11 at least, अगर वो 11 के multiple और 8 के multiple से भी divisible है, तो भी वो 88 से divisible, तो यहाँ तो 8 है और ये 22, which is divisible by 11, divisible by 11 and 8, यही दो आ गया, तो आप आंसर्स मार्क कर सकते हो ऑल ऑफ दिस, बट ये भी समझ लो, डिवाइड बाय 11 एंड थ्राइस बाय 2 का मतलब क्या है कि एक बार 2 से डिवाइड किए कट गया, दोबारा किए कट गया, थर्ड टाइम्स किए कैंसिल आउट हो गया, व्हिच मींस कि 2 के क्यूब से वो डिविजिबल है, ऑब्वियसली 8 से डिविजिबल है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। बहुत आसान आसान सवाल दिया हुआ है इसमें, फिर बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिविजिबल्स ऑफ 10800, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे बोल रहा है तो आप क्या कीजिए, कैन यू राइट दिस एज 12 9 108, ठीक है, एंड इनटू 100। अब मैं इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, इजी हो गया अब थोड़ा सा मेरे लिए, यहां पे मेरे को 4 मिल रहा है और यहां पे भी 4, तो आई कैन राइट 2 रेज टू द पावर 4, 16 मिल गया मेरे को, यहां पे 1 3 यहां पे 2 3 है, तो 3 का क्यूब मिल गया, एंड यहां पे 25 है मतलब 5 का पावर 2 मिल गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोले या नंबर ऑफ डिविजन्स बोले, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, मतलब 4 प्लस 1 दिस इज 5, इनटू 3 प्लस 1 दैट इज 4, इनटू 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 5 4 इज 20 इनटू 3 दैट बिकम्स 60 एंड हेंस 60 इज योर आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, कहीं पे कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप वहां पे कमेंट करके बता सकते हैं, या नहीं तो आप व्हाट्सएप पे, बेटर होगा आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। 48 अभी जीसीडी वाला इक्वेशन सॉल्व किया था और एक एलसीएम वाला सॉल्व किया था, ये फिर से जीसीडी आ गया, बट यहाँ पे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है, तो आपको इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो मुझे ये एक्स प्लस 3 यहाँ पे भी है और एक्स प्लस 3 यहाँ पे भी है, और जो पावर अगर मैं देख रहा हूं तो पावर सिर्फ 1 है जो दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 आ गया, x माइनस 2 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, छोड़ दो, x प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे क्यूब है, बट मुझे जो दोनों जगह में कॉमन मिलेगा वो होल स्क्वायर है, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 का, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर, दिस इज योर करेक्ट। गाइस ऐसे में फैक्टराइजेशन करने वाला अगर हो तो बहुत आसानी से करना, गलती मत, ठीक है। मूविंग अहेड, अगेन फिर से मेरे पास एलसीएम वाला बोल दिया यहाँ पे, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो ठीक है, सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, अब इसको अगर हम ब्रेक करने के लिए जाएं गाइस तो क्या हम इसको ब्रेक कर पाएंगे, देखो 4 6 24 है, बीच में कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि सम या डिफरेंस मेरे पास ये आ जाए, बट प्रोडक्ट 24 आना चाहिए पॉजिटिव, तो अगर आप देखोगे कि 8 माइनस 3 करते हैं प्लस 8 माइनस 3, तो 5 तो मिल जाएगा बट प्रोडक्ट माइनस 24 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कोई ना कोई जो ऑप्शन एलसीएम का हो उसमें होना चाहिए, कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब आप चाहो तो आंख बंद करके ये वाला मार्क कर सकते हैं और कोई पॉसिबल आंसर्स, ठीक है, या नहीं तो चाहो तो फिर से आप यहाँ पे ब्रेक करके कर सकते हो, x प्लस 3 x प्लस 3 है, आई एम श्योर आपके मन में ये चीजें आ रही होंगी कि x प्लस 3 x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे आ गया, एक बार होना चाहिए था ना, तो चलो एक बार हम लोग आपके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ x प्लस 3, तो x प्लस 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी आप 2x कॉमन कर लेते तो आपको यहाँ पे x और यहाँ पे 3 मिल जाता, तो x प्लस 3 वो कॉमन कर लिए तो 2x प्लस 1, राइट, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया है
तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज करो कि मैं अगर इसको जैसे इन दोनों जगहों पे अगर देखोगे तो यहाँ पे x प्लस थ्री, इसको अगर हम टोटल लिखें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। क्योंकि एक यहाँ से है और एक यहाँ से है, और ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ x प्लस वन। तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ पावर वन था, तो ये इसके कारण ये मेरे पास आ गया x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। 6x² + 5x + 4 आ गया, क्योंकि कि ये कहीं नहीं था। और यहाँ 2 को अगर x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 1 मिल जाएगा, जो कि मैच कर जा रहा है, राइट। तो दैट मींस व्हाट, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। नन ऑफ दीज अगर होता ना तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता, ठीक है। नहीं था, दैट इज मैं पहले ही बोल दिया कि 6x² + 5x + 4 ब्रेक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे उसका कोई मल्टीपल भी नहीं है, तो दैट मींस व्हाट, वही आंसर होगा, चेक करने की जरूरत, ठीक है। आगे चलते हैं 50। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर, इज ऑलवेज डिविजिबल। मतलब तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सिर्फ लेना है, जिसमें से पहला नेचुरल नंबर जो होगा वो इवन होगा, तो टू ले लिया। और उसके बाद सबसे छोटा इवन नंबर ले लिया, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना था, तो वो इनके साथ क्या हो जाएगा, टू हो गया, थ्री हो गया, एंड अब इनका प्रोडक्ट देखिए आप, तो 2 3 6 × 4 = 24। तो मतलब ऑप्शन ए यस, अगर 24 से डिविजिबल है तो 12 से भी होगा, फिर ये 24 से, ये 6 है। अरे बात समझ में, राइट। सिंपल सा सवाल था, अगर यही इवेन नहीं बोलता, सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोलता, तो हम 1 2 3 ले लेते, तब वो मैक्सिमम 6 से डिविजिबल हो सकता था ऑलवेज, ठीक है। बाकी कंडीशंस में तो हो ही सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एज यू नो दैट इस स्लाइड्स में हम लोग 26 to 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले थे, 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस में आपको 51 से 75 तक। सो आई डेफिनेटली से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल्स, and already subscribed, then please share this videos as much as possible so that baki students tak bhi hai, theek hai। See you in the next video, till then take care, bye bye।